बिकॉज पूरा अहमदाबाद इंक्लूडिंग साबरमती रिवर आपको आपके रेस्टोरेंट में खाते समय दिखने वाले हैं। लुक एट द वैरायटी ऑफ फूड ओवर हियर। ये मेन कोर्स के बाद आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन। आज हम लोग आए हैं एक स्काई हाई डाइनिंग एक्सपीरियंस करने, जो है वहाँ पे एक स्काई हाई डाइनिंग एक्सपीरियंस होने वाला है हमारा। एक और उस और एक ट्विस्ट ये है कि ये जो पूरा रेस्टोरेंट है, आप खाते खाते पूरा अहमदाबाद का दर्शन कर सकते हो। ये जो एक्सपीरियंस होगा ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम होगा, बिकॉज पूरा अहमदाबाद इंक्लूडिंग साबरमती रिवर आपको आपके रेस्टोरेंट में खाते समय दिखने वाले हैं। सो लेट्स चेक आउट कि उसका एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है। So let's start with soup. This is tomato soup, and after this we have another soup, that is cilantro soup. And then for starters we have bruschetta, cheesy, and then spring roll, and then galotti kebab. Wow, let's check it out ki iska taste kaisa hai. वैसे टोमेटो सूप मेरे को इतना नहीं पसंद, बट ये वाला काफ़ी अच्छा है। बिकॉज ज़्यादा स्वीट नहीं है, एकदम मीडियम स्वीट है। एंड तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद सम मेन कोर्स। लुक एट द वैरायटी ऑफ फूड ओवर हियर, कितनी सारी वैरायटी है। So tempting. थाली लुक्स लाइक कुलचा, छोले, बिरयानी, नूडल्स, सब कुछ है। नान, पराठा, कुलचा, एंड दाल मखनी, रबड़ी नहीं सॉरी अवधी, कोफ्ता एंड सम वेजिटेबल्स। मेन कोर्स में भी अच्छी खासी वैरायटी है यहाँ पे। अब आपको एक अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ। दैट इज हैविंग फूड विद लेक व्यू। So this is so good to see. So we are done with our main course.
स्टार्टर्स और मेन कोर्स हो गए हैं और सब कुछ काफ़ी अच्छा था, काफ़ी डिसेंट था। मेन कोर्स में चार सब्जी थी जिसमें से मुझे कोफ्ता और पनीर चमचम, नाम से ही मस्त लग रहा है, मुझे भी टेस्ट में बहुत मस्त लगा। एक्चुअली कोफ्ता जो था वो प्रॉपरली उसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो ग्रेवी की, जो कि क्रीमी ग्रेवी थी, वो एकदम वंडरफुल थी एंड एकदम फ्लेवरफुल था वो। और उसके साथ साथ ये जो कोफ्ता था वो भी काफ़ी अच्छा था, एक्चुअली ऐसा लग रहा था गुलाब जामुन डाला हुआ है, इतना अच्छा था और बहुत छोटे छोटे और मस्त लग रहे थे प्रेजेंटेशन में। एग्जैक्टली और पनीर चमचम भी बहुत ही अच्छा क्रीमी था थोड़ा सा वो भी, एंड बैंगन भांजा काइंड ऑफ वो भी ठीक था, और एक था सब नीलगिरी कोरमा वो भी अच्छा था। तो ओवरऑल काफ़ी डिसेंट था, सबसे बेस्ट बट जो ये जो कोफ्ता था वो बहुत ही बढ़िया था, हल्का सा स्वीट था बट वो मज़ा आ रहा था खाने में। रोटीज़ में आपको असॉर्टेड रोटीज़ मिलेगी, पराठा कुलचा वगैरह जो भी है, बिरयानी था, आपको नॉर्मल राइस चाहिए आप उनसे मांगिए वो आपको वो भी दे देंगे। दाल तड़का एकदम गजब था, बेस्ट, बहुत ही बढ़िया था, एकदम गार्लिकी थिक वो एकदम बढ़िया था। दाल मखनी वाज ओके एंड दाल, ये दाल तड़के के साथ जो राइस खा रहे थे वो राइस भी बहुत ही मस्त, दिखने में बहुत ही अच्छा और लंबा था काफ़ी, और दिखाने में खाने में भी वो देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ अच्छा लगेगा खाने में। बिल्कुल, तो ये सब जो मेन कोर्स का एक्सपीरियंस था इंक्लूड आफ्टर स्टार्टर, स्टार्टर्स भी ब्रोशेटा स्प्रिंग रोल एंड जो कबाब थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। उन तीनों में से सबसे ज़्यादा हमको कबाब पसंद आया, देन स्प्रिंग रोल, देन ब्रोशेटा। सो दैट वाज द रेटिंग टिल मेन कोर्स एंड स्टार्टर्स। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स स्वीट, आई मीन डिज़र्ट्स। तो यहाँ पे डिज़र्ट में भी बहुत कुछ है, थोड़ा इंडियन है, फिरंगी है, सब कुछ है, तो आपको दिखाते हैं वो क्या है। तो माय फेवरेट डेजर्ट टाइम, पहले तो पेस्ट्रीज ट्राई करते हैं। यहाँ पे तीन पेस्ट्रीज है, मेन थिंग सारे एगलेस है और यहाँ पे प्योर वेज मिलता है सब कुछ। ये हैव मोर वेराइटी ऑफ आइसक्रीम्स है, जैसे स्वीट केक, चॉकलेट, वनीला। हियर वी हैव स्वीट का खजाना। तो हमने स्टार्ट किया विद आइसक्रीम, हैव मोर ब्रांड की है, दिस इज स्विस केक आइसक्रीम। ये ज़रूर ट्राई करना इफ़ यू गेट वेन एवर यू कम हियर। सो वैरायटी इज़ गुड, क्वालिटी इज़ गुड, सो दैट मैटर्स अ लॉट। वी आर डन विद टोटल मील, स्टार्टर्स मेन कोर एंड डिज़र्ट्स, एंड डिज़र्ट्स विज अमेजिंग, स्पेशली इंडियन डिज़र्ट। ऑप्शन बहुत सारे थे जो हम लोग ने ऑलरेडी आपको दिखाया, उसमें पर्सनली हमको अच्छा लगे, एक्चुअली मुझे अच्छे लगे रसगुल्ला, गाजर हलवा, आइसक्रीम्स, हाँ जी, और मूजेस वर ओके एंड पेस्ट्रीज भी ओके थी। सो दैट वाज इट, एंड देखो क्या अच्छा लगा, गाजर का हलवा बेस्ट था बहुत ही। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग, स्पेशली ये जो रोटेटिंग एक्सपीरियंस है, आपको एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पूरा अहमदाबाद यहाँ पे बैठ के देख सकते हो विद एंजॉय अलॉन्ग विद योर फूड। सो एंड हाँ, बुफे फूड है वो याद रखना। बिल्कुल, सो सब कुछ अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड खाओ और अनलिमिटेड एक्सपीरियंस लो। अपनी फैमिली के साथ आप आ सकते हो यहाँ पे, एकदम प्राइस भी ठीक है, रीजनेबल है। सो प्राइस इज जस्ट 635 रुपीज फॉर लंच ड्यूरिंग वीक डेज एंड 800 दैट इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। हाँ जी, सो डोंट कोट अस ऑन दैट, श्योर टू कॉल देम बिफोर कमिंग सो दैट आप प्राइस भी आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा, एंड जो एक्सपीरियंस था वो तो ऑसम है। सो बेस्ट एक्सपीरियंस जो था वो दैट इज़ द रोटेशन पार्ट, बहुत ही अच्छा, हम लोग ने लेक व्यू के साथ साथ पूरा अहमदाबाद देख लिया, मज़ा आ गया। With this, let's end this food vlog, जो कि एक अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस था हंगरी लायंस का। अगर आपने ये रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस किया है तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एंड अगर आपने नहीं किया है तो आप कब जाने वाले हो वो कमेंट में मेंशन कीजिए। सो लेट एंड दिस वीडियो, सो स्टे हंगरी, स्टे फूडी, जस्ट लाइक अस।